हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुपम दुबे फ्रॉम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टांडा, ब्लॉक धरसींवा, डिस्ट्रिक्ट रायपुर से, टीचर LB। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों आपका लेसन 26 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो ठीक है, इसमें हम आज का जो लेसन पढ़ने वाले हैं इसका टॉपिक है हैंड्स ऑन। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेसन में हम क्या करने वाले हैं। आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एक परिचय दे देती हूँ छोटा सा, ठीक है ना। फ्रॉम दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट द एक्शंस एंड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। तो बच्चों आज जो आप सीखने जा रहे हैं, जो आज आप सीखेंगे वो है आपके कुछ एक्शंस के बारे में। एक्शंस का मतलब आप अपने हाथों से और पैरों से क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं ये कविता कैसी है और इसमें आपको क्या सिखाया गया है। मैं पहले आपको ये कविता रीड कर रही हूँ और आप भी वहाँ पर मेरे साथ दोहराते जाएंगे ताकि आपको वर्ड्स समझ में आए और आप अच्छे से उसको बोल सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ और मेरे साथ आप भी वहाँ पर सुनिए और समझिए। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, hands on waist, sit down, stand up, hands on the side, 1 2 3 clap, stand still। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द आए हैं, चलिए मैं आपको अब उनका मतलब समझा दूँ। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है आप भी देख सकते हैं, डाउन मतलब नीचे की तरफ, हैंड्स अप मतलब अपने हाथों को ऊपर करना, सिट डाउन मतलब बैठना, साइड मतलब इस प्रकार से बगल, ठीक है, होप कूदना, स्टॉप रुकना, ठीक है, स्टिल स्थिर, और वेस्ट का मतलब होता है आपका कमर, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखने के बाद एक बार मैं इस कविता को फिर से अच्छे से गाऊंगी और आप भी मेरे साथ उसे गाइएगा। तो चलिए हम एक बार इस कविता को गाते हैं। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स ऑन वेस्ट, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, hands on waist, sit down, stand up, hands on side, sit down, stand up, hands on side, 1 2 3 hop, 1 2 3 hop, 1 2 3 stop, 1 2 3 stop, stand still। तो बच्चों मजा आया ना ये कविता पढ़ के एक्शन के साथ। देखिए यहाँ पर जो कुछ कविता में लिखा हुआ है एक्शन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं, कुछ पिक्चर्स भी हैं, है ना। तो मैंने हर इमेज के नीचे में लिखा हुआ है कि देखिए पहला इमेज हैंड्स अप, वो बच्चा जिसे आप देख रहे हैं जिसके हाथ ऊपर है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, हैंड्स अप। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है और इसे क्या कहते हैं। उसके हाथ ऊपर है इसलिए नीचे में लिखा हुआ है हैंड्स अप। दूसरी इमेज में देखिए उसके नीचे हैंड्स डाउन, वो बच्चा अपने हाथ जो है वो इस प्रकार से नीचे कर रहा है। फिर तीसरी इमेज में क्या लिखा हुआ है देखिए, स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। फिर चौथी इमेज क्या लिखा हुआ है, सिट डाउन, बैठने की इमेज है यहाँ पर, देखो वो बच्चा बैठने का एक्शन कर रहा है। फिर आखिरी इमेज जो हमारे पास है वो क्या है, हैंड्स ऑन वेस्ट, उसके दोनों हाथ कमर पे हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी एक्शंस आए हुए हैं मैंने उनको इमेजेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज वर्क है इसको करते हैं और आपको और भी बेहतर तरीके से ये एक्शंस, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ राइम वर्ड्स हैं, है ना।
तो हम इसका अभ्यास करेंगे, दोहराएंगे, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए राइम वर्ड्स। हमने पहले के लेसन्स में भी पढ़ा है राइम वर्ड्स, ठीक है? तो आपको अब तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि राइम वर्ड्स किसे कहते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस कविता से और भी कुछ नए नए शब्द निकले हैं और इसका हम राइम वर्ड्स देखेंगे क्या है। तो पहला है हैंड्स, इसका राइम वर्ड है बैंड्स, लैंड्स। आप भी वहाँ पर मेरे साथ साथ दोहराते जाइए क्योंकि इसको बोलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अप, कप, पप, बैंड। तीसरा है बैंड, इसका राइम वर्ड है सैंड, लैंड। चौथा है पॉप, इसका राइम वर्ड है स्टॉप, कॉप। इसके बाद है थ्री, फ्री, ट्री। फिर है सिट, फिट, बिट। इसके बाद है स्टिल, स्किल, टिल। और आखिरी है हमारे पास साइड्स, तो इसके राइम वर्ड्स निकलेंगे राइड्स, हाइड्स। चलिए इसके बाद ये नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज वर्क है। इसमें यहाँ पर एक साइड में कुछ एक्शन इमेजेस हैं और दूसरे साइड में मैंने वो शब्द लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको मैच करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आप इमेज देख सकते हैं, पहली इमेज में वो लड़का जिसके हाथ दोनों ऐसे साइड में हैं। दूसरी इमेज में क्या दिख रहा है, हाथ उसके ऐसे कमर पे हैं, वेस्ट पे हैं। और तीसरी इमेज में वो बच्चा बैठा हुआ है ना, तो आपको जो दूसरे साइड पे जो वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, वो आपको देखने हैं और उनके साथ आपको मैच करना है। तो जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हैंड्स ऑन वेस्ट, दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है सिट डाउन, और तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है हैंड्स ऑन साइड। तब आपको इन इमेजेस को इन वर्ड्स के साथ मैच करना है। तो क्या आप ये कर सकते हैं? कविता पढ़ने के बाद तो ये बहुत ही आसानी से आपसे मैच हो जाएगा, है ना? लेकिन मैंने आपको इसका आंसर भी दिया हुआ है, आगे के वीडियो में देख सकते हैं आप, आगे की स्लाइड में देख सकते हैं आप। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको मैच कर सकते हैं। हैंड्स ऑन साइड जो सबसे नीचे वो मैंने मैच किया हुआ है इमेज के साथ, फिर हैंड्स ऑन वेस्ट वो मैंने बीच वाली इमेज से मैच किया हुआ है, और सबसे आखिरी जो इमेज है आपकी सिट डाउन के साथ मैंने उसे मैच किया हुआ है। और ये कविता पढ़ने के बाद आपको सारे एक्शन वर्ड्स, सारे तो नहीं मतलब जितने इस कविता में आए हैं वो एक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब उसी के बेस पे ये होमवर्क है, आपका गृह कार्य है, ठीक है? इसमें मैंने आपको तीन क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए, देखिए, और उसके बाद अपनी कॉपी में इस होमवर्क को ज़रूर से कीजिएगा। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। Recite all the action words came in this poem with their meanings, है ना? कि जितने भी action words इस कविता में आए हैं आपको उन सबको अच्छे तरीके से याद करना है उनकी meaning के साथ, उनके अर्थ के साथ। चलिए देखते हैं दूसरा homework मैंने क्या दिया हुआ है आपको। दूसरा homework है आपके लिए write the rhyme words, आपको rhyme words लिखने हैं और वो शब्द हैं waist, side, hope और down, ठीक है? आपको इनके राइम वर्ड्स लिखने हैं। और तीसरा होमवर्क जो मैंने आपको दिया है वो है रिसाइट द पोएम विथ एक्शन, आपको ये कविता याद करनी है, ठीक है, और एक्शन के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है वैसे ही एक्शन के साथ आपको ये कविता याद करनी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा होमवर्क ज़रूर करेंगे, अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखेंगे और इस कविता को दोहराएंगे भी एक्शंस के साथ, है ना? मज़ा आया होगा आपको कविता पढ़ने में। चलिए, धन्यवाद।